हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, ये एक स्पेशल वीडियो है क्योंकि ये वीडियो है मेरे बेटे के 18 बर्थडे का। हाँ, वो 18 इयर्स का हो चुका है और हम लोग उसके लिए सेलिब्रेशन पार्टी रखने वाले थे। तो ये कुछ तैयारियां मैंने की हैं, कुछ गिफ्ट्स वगैरह मैंने लिए थे, जो गेम्स वगैरह खेलेंगे हम उन सबको देने के लिए, और बच्चों के रिटर्न गिफ्ट, छोटे बच्चे भी आने वाले थे। तो ये सब उसकी तैयारी हो गई और अब मैं करने वाली हूँ अपनी ग्रूमिंग। तो यहाँ पर मैं चूँकि एक ड्रेस पहनने वाली हूँ तो मैंने सोचा चलो मैं वैक्सिंग कर लेती हूँ। तो ये सेम डे है जिस दिन हमारी पार्टी थी। थोड़ा बहुत मुझे अपनी और ग्रूमिंग करनी थी, थोड़ा अपर लिप्स वगैरह मैंने किए, और ये रही मेरी आउटफिट जो मैंने स्पेशली परचेज करी हुई है उसके बर्थडे में पहनने के लिए। तो बस टाइम हो चला था हमें पार्टी के लिए पहुंचने के लिए, और मैं अपना मेकअप वगैरह डन कर रही हूँ। जैसा मैं चाहती थी वैसा ही बिल्कुल मेरा मेकअप हो गया, और कई बार होता ना जैसा आपने सोचा हो वैसा नहीं हो पाता है, बट इस बार मैंने जो सोचा था वैसा ही किया। हेयर स्टाइल भी बिल्कुल ऐसा ही, मुझे मैसी बन सा बनाने का मन था वो हो गया, एंड बाकी जो भी मेकअप था वो बिल्कुल जैसे मैं चाह रही थी परफेक्टली वो हो चुका है। एंड ये रहे मेरे ईयरिंग्स, बहुत ही ब्यूटीफुल से मैं लेकर आई थी, और ये रही मेरी ब्यूटीफुल सी रिंग जो कि मैंने मैचिंग अपनी ड्रेस से ली है, और ये रही मेरी दूसरी रिंग, और ये देखते ही मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, गाना गाने का मन करने लगा। और ये रहा मेरा फाइनल लुक, मैंने ऐसे बूट्स पहने थे और ये बन में मैंने एक छोटा सा हेयर एक्सेसरी यूज़ किया था। तो बस हम लोग चल पड़े हैं पार्टी के लिए, और पार्टी में जाने से पहले हमें लेना है केक जो हमने ऑर्डर दिया था सरजोन में, और ये जो है हमने कई दिन लगाकर बहुत सोच विचार कर तब जाकर फाइनल किया था केक, क्योंकि बड़े बच्चे का केक है थोड़ा सा उसके हिसाब से होना चाहिए। जो थीम हमने सेलेक्ट करी थी पार्टी की वो भी बहुत सोच समझ के करी थी, तो इन सब चीज़ों में बहुत टाइम लग जाता है एक परफेक्ट चीज़ ढूंढ निकालने में। तो ये रहा केक जो कि हमने ऑर्डर किया है क्योंकि उसको गेम बहुत पसंद है, बाइक्स बहुत पसंद हैं, तो बस उसी से रिलेटेड हमने ये थीम उनको बताई थी और पिक्चर्स वगैरह उनको दी थी, वो देख कर उन्होंने ये केक तैयार किया है। तो बस केक हमने पैक करवाया और लेकर हम चल पड़े हैं। दिन की पार्टी थी क्योंकि दिन में सभी लोग जो है कंफर्टेबल रहते हैं आने को ठंड के मौसम में, और सैटरडे था तो कोई भी दिक्कत नहीं थी, सबकी ज़्यादातर छुट्टियां ही होती हैं। ये जो थीम थी बाइक वाली ये हमने सेलेक्ट करी थी, और यहाँ पर इन्होंने नियॉन लाइट 18 की रखी थी, बहुत सुंदर सा डेकोरेशन हुआ था, थोड़ा सिंपल ही रखा था हमने, बस ये एक रिंग में डिज़ाइन करवाया था, मतलब जो भी डेकोरेशन था वो करवाया था, बाकी बहुत ज़्यादा और नहीं था। गेस्ट हमारे आ चुके हैं और यहाँ पर स्नैक्स वगैरह सर्व हो चुका था, सब लोग एंजॉय कर रहे थे, और बहुत अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने ना एक जो है पर्सन रखा हुआ था जो कि सब बच्चों को इन बड़ों को भी गेम्स खिलवाने वाला था, क्योंकि सिर्फ पार्टी में अगर आप खाना पीना खा के चले आते हो ना तो वो मज़ा नहीं आता है, सिर्फ खाना तो हम कभी भी खा लेते हैं। तो ये जो है भैया आए हुए थे, इन्होंने सब बच्चों को भी गेम्स खिलवाए और बड़ों को भी, बेटे के फ्रेंड्स आए थे उन सबको अलग अलग, सबने गेम्स खेले और बहुत मज़ा आया, सबने खूब एंजॉय किया, इसकी वजह से एकदम मतलब सबको खूब मज़ा आया। तो ये स्पेशल हो गया, और इसीलिए मैंने बच्चों और बड़ों सबके लिए गिफ्ट रखे थे, क्योंकि बच्चों के लिए अलग टाइप के गिफ्ट्स होते हैं जो वो प्राइज़ जीतते हैं, मतलब उनको अच्छा लगता है, और बड़ों के लिए अलग टाइप के गिफ्ट्स थे, तो वो सब मैंने तैयारी करी थी। और तो सब जो है मिलके सबने खेला, और ये अब हम लोगों का चांस आ चुका था। तो हम लोगों का जो गेम था बहुत सिंपल सा था लेकिन बड़े मज़ेदार था, कि हिंदी एंड इंग्लिश की अल्टरनेट लोगों को गिनतियाँ बोलनी थी। तो जितना आसान लगता है उतना होता नहीं है, सिंपल चीज़ भी कई बार बड़ी मुश्किल लगती है। तो बस टाइम हो चला था केक कटिंग का। बस केक कटिंग के बाद सबने केक एंजॉय किया, उसके बाद से लंच भी सर्व हो चुका था, सबने लंच किया, और सबसे ज़्यादा मज़ा तो गेम्स में आया, सबको, बड़ों को और बच्चों को, सबको।
तो बस ये छोटा सा व्लॉग टाइप का, वैसे तो मैंने सोचा था रील ही शूट करूँगी, व्लॉग नहीं बनाऊँगी, बट चूंकि छोटे छोटे क्लिपिंग्स करते हुए भी कई सारी क्लिपिंग हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो एक छोटा सा व्लॉग ही बनाती हूँ। बस पार्टी अपनी ओवर हो चुकी थी, अब हम लोग निकल चुके घर की तरफ, और घर आने के बाद मैंने सोचा एक बार फिर से फाइनल लुक आपके सबके साथ शेयर कर दूँ। तो ये देखो जो मेकअप मैं करके गई थी वो करीब 4 से 5 घंटे के बाद भी अच्छा खासा इंटैक्ट था। लिपस्टिक भी लगी हुई थी, बहुत थोड़ी सी निकली थी बस, क्योंकि खाने पीने की वजह से, बाकी सब बिल्कुल परफेक्ट था। आई होप आप सबने व्लॉग एंजॉय किया होगा। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।